बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कितना हसीन फराड है कि वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, चाइना से, सऊदी अरब से, दुबई से कर्ज़े हमारे हुक्मरान लेते हैं और फिर लंबे लंबे दौरे करते हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, स्टेटस एंजॉय करते हैं, खूब मज़े करते हैं, ऐश करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, कोई कसर उठाए नहीं छोड़ते, और सारे के वो सारे कर्ज़े जो हैं वो फिर हम आवाम को उतारने पड़ते हैं, टैक्स बढ़ा कर, महंगाई बढ़ा कर। अस्पताल में जाते हैं तो दवाई नहीं मिलती, स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, स्पोर्ट्स के मैदान हमारे इतने अच्छे नहीं हैं, जिधर भी जाते हैं वहाँ पे करप्शन 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 नज़र आती है, इवन अदालतों में जाते हैं तो वहाँ इंसाफ नहीं मिलता बल्कि तारीख मिलती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये इंसाफ के नाम पे जो खिलवाड़ हो रहा है, ये सब उसी गेम का हिस्सा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि कर्ज़े हुक्मरान लेते हैं और अदा अवाम करते हैं, अपना पेट काट कर, अपने मुश्किलात और कुर्बानियाँ देकर। अल्लाह ताला हमारे इन हुक्मरानों को कब विजडम देगा, कब इन्हें हदायत देगा, ये कब लोग अवाम की और हुकूमत माशरे की फलाह के लिए काम करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला से कि इनको विजडम दे, हदायत दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।